शहर में वक्फे से जारी बारिशों से मौसम खुशगवार। दिन भर सूरज और बादलों की आंख मिचोली जारी रही। महकमा मौसमियात ने आज रात दी बारिश की पेशगोई कर दी। जिला इंतजामिया सस्ती चीनी और सस्ते आटे का ख्वाब दिखाकर गाय। ओपन मार्केट में चीनी की 82 रुपए किलो पर फरोख्त जारी। आटे की किल्लत भी बदस्तूर बरकरार। 2.5 लाख थैलों की तलब के मुकाबले में 1,30,000 बैग फ्राहम किए जा रहे हैं। महंगाई के तोड़ के लिए सरकारी निरखों पर जरूरी अशिया की फराहमी का मंसूबा। महकमा सनत और तिजारत की शॉप एट डोर के नाम से कंपनी की तश्कील पर मुशावरत। कंपनी सरकारी और निरखों पर शहरियों को घर की दहलीज पर जरूरी अशिया फराहम करेगी। गोल्ड बाजार में गर्म बाजारी। सोने की कीमत में मजीद 400 रुपए तोले का इजाफा। 24 कैरेट की तोला सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह 1,15,000 पर पहुंच गई। 22 कैरेट सोना 1,05,416 रुपए का हो गया। सिलेक्टेड हुकूमत ने हर पाकिस्तानी की जिंदगी खतरे में डाल दी। हुकूमत का अब कोई जवाब नहीं है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले आटा चीनी पेट्रोल अद्वियात सब में करप्शन। अवाम की जेबों पर डाका डाले जा रहे हैं। तेल माफिया ने एक नोटिफिकेशन पर अरबों कमा लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बाद नए पर ताले डालने और पार्लियामेंट के जरिए कानून खत्म करने का मुतालिबा। कहा ऑपोजिशन लीडर की बीमारी पर कोई सियासत नहीं। शहबाज शरीफ कैंसर और कोरोना के मरीज हैं। सेहत याब होने पर APC होगी। पंजाब असेंबली ने तहफ्फुज़े बुनियाद इस्लाम बिल 2020 मंजूर कर लिया। बिल से तोहीन आमेज और गुस्ताखाना मवाद का मुकम्मल तौर पर तदारुक मुमकिन होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही कहते हैं तहफ्फुज़ बुनियाद इस्लाम तारीखी बिल है। बिल इस्लाम की हिफाजत सरबुलंदी के लिए संग मील साबित होगा। जबकि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2020 भी मंजूर। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी, वॉकआउट कर गई। पंजाब में 18 तरक्याती मंसूबों के लिए 6 बैनुल अक्वामी इदारों की मुआवना दरकार। 133 अरब के फंड्स में से 97 अरब नर्म कर्जों और 36 अरब प्रोग्राम मोड में हासिल किए जाएंगे। मंसूबे में हुकूमती जराए आमदन बेहतर बनाने, शहरी इलाकों का अराजी निजाम जदीद करने, देही इलाकों में साफ पानी और निकासी की सहूलियात समेत नया पाकिस्तान हाउसिंग और दीगर शामिल है। सरकारी कॉलेजेस में रुके तरक्याती काम मुकम्मल होने की उम्मीद। पंजाब हुकूमत ने हायर एजुकेशन की स्कीमों के लिए 75% फंड फराहमी की नवीर सुना दी। फंड से 90 स्कीमों में 44 मुकम्मल की जा सकेंगी। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की लाहौर चैम्बर आमद। ताजिरों और सनतकारों के मसाइल सुने। मियां असलम इकबाल बोले ईद के बाद रेस्टोरेंट मालिकान के साथ मिलकर SOP तैयार करके रेस्टोरेंट खोल देंगे। शादी हॉल सितंबर में कोरोना की सूरत हाल को देखकर खोले जाएंगे। तमाम रेस्टोरेंट और शादी हॉल खोलने के लिए NCOC की इजाजत लाजिम होगी। अबू जहबी दुबई शारजा जाने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करा। निजी एयरलाइन एयर बलू ने मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाली परवाजों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी। शर्त UAE एविएशन अथॉरिटी की हिदायत पर लागू की गई। और सुस्त रोग खिदमात के खात्मे के लिए रेड रिबन ब्यूरोक्रेसी को लगाम। किसी महकमे को 10 रोज से ज्यादा फाइल रोकने की इजाजत नहीं होगी। अफसरान मुकर्रर अरसे के अंदर अंदर फाइल मुतलिका महकमों को भिजवाने के पाबंद होंगे। गवर्नर पंजाब ने मरासला जारी कर दिया।